नमस्कार, उद्योग में आप सभी का स्वागत है। आज की मुख्यांश अंजुना नगर प्रशासन 1 से 15 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाएगा। अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और वृद्ध विद्वान और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सलाह। अब विज्ञापन विस्तार से। कोटला के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में 4 सितंबर को शाम 5 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा मामले मसले पर प्रथम इंदिरा गांधी मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर व्याख्यान देंगे। व्याख्यान आम लोगों के लिए खुला रहेगा, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षाविद, रक्षा सेवा तथा संघ शासित प्रदेश प्रशासन के अधिकारी भाग लेंगे। अंजुना नगर प्रशासन अपने सभी कार्यालयों तथा शिक्षा संस्थानों में 1 से 15 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाने जा रहा है। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए हिंदी में कई कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं। 1 सितंबर को पखवाड़े के उद्घाटन मौके पर राजभाषा सचिव के अपील का प्रकाशन होगा। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों के सामने परंपरागत ढंग से हिंदी पखवाड़ा के आयोजन संबंधी बैनर लगाए जाएंगे। 2 सितंबर को पोर्टर मुख्यालय क्षेत्र के अहिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 3 सितंबर को टैगोर महाविद्यालय में प्रशासन के कर्मचारियों के लिए हिंदी टिप्पण व अवलेखन प्रतियोगिता होगी। सचिवालय के सभागार में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत राजभाषा के नोडल अधिकारियों, कार्यालय अधीक्षकों और अनुवादकों के लिए 4 तारीख को हिंदी कार्यशाला का आयोजित की जाएगी। 5 सितंबर को सचिवालय में हिंदी टाइप प्रशिक्षण केंद्र में प्रशासन के कर्मचारियों के लिए हिंदी टकन प्रतियोगिता रखी जाएगी। 6 तारीख को टाइगर महाविद्यालय में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए वाक् प्रतियोगिता प्रतियोगिता 10 तारीख को टाइगर महाविद्यालय में महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्वरचित कविता पाठ का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार 11 सितंबर को प्रशासन के राजपत्रित अधिकारियों के लिए सचिवालय के सभागार में हिंदी टिप लेखन प्रतियोगिता रखी गई है। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर 13 सितंबर को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी से उपराज्यपाल के संदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसी क्रम में सभी सरकारी कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। पखवाड़े के दौरान भारतीय संघ की राजभाषा तथा संपर्क भाषा हिंदी पर तैयार वृत्त चित्रों को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में दिखाया जाएगा।